आज आप लोगों के सामने टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट प्रस्तुत है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज दूसरे पार्ट में बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज़ करके सेंटेंस को चेंज किया जाता है, मतलब सिंथेसिस किया जाता है सिंपल सेंटेंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल, तो सबसे पहले जान लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे या होता क्या है। तो देखिए, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ये एक्टिव वॉइस में बनता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हैविंग के साथ बीन हो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये हमारा पैसिव में बनता हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लिखी हुई आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखें समझें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फाइनाइट वर्ब पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है दूसरे और सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और थर्ड में क्या है, टाइम इंटरवल, जो भी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जो फर्स्ट एक्शन ख़त्म होता है तो दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एक्शन ख़त्म होगा दूसरा एक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, गैप होता है। टाइम इंटरवल नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं होता, मतलब उसमें थोड़ा समय होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, तो जिस वाक्य से कार्य पहले होता है, मतलब इसमें जो दो वाक्य होंगे तो इसमें जिस वाक्य से कार्य का पहले होना पता चलेगा उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में, यानी उस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है हमें कन्वर्ट करने का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल लिखा है, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना रिटन वर्क लिखित कार्य समाप्त कर लिया था। शी वेंट टू मार्केट, और वो बाजार गई, तो ठीक है। यहाँ पे क्लियर, दो काम हुए यहाँ पे, पहले तो उसने अपना रिटन वर्क कंप्लीट किया उसके बाद उसको मार्केट गई, तो यहाँ पे एक काम फिनिश हो गया पूरी तरीके से, उसके बाद में दूसरा काम चालू हुआ है। लेकिन हम लोग पहले जो देख रहे थे वहाँ पे क्या था कि एक काम शुरू हुआ था लेकिन वो एंड नहीं होता है जबकि दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके था और ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी लोगों को। देखिए यहाँ पर इसको कैसे चेंज करेंगे, सेम वो, और देखो जो और दूसरी कंडीशंस क्या थी, सब्जेक्ट दोनों का सेम, यस सेम, यहाँ पर वेंट है फाइनाइट वर्ब और यहाँ पे हैड कंप्लीटेड, तो दोनों की फाइनाइट वर्ब भी चेंज है, इसलिए रूल हमारे सारे फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, फिर कॉमा प्लेस करेंगे, शी वेंट टू मार्केट, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर। और देखो वर्ब के अंत में करके शब्द आता है, जब हम इसको हिंदी में अर्थ निकालेंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, अपना लिखित कार्य समाप्त करके शी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई, ठीक है, हिंदी में ऐसा अर्थ निकालेंगे, अपना लिखित कार्य समाप्त करके वह बाजार गई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो, ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर, ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी फेल्ट किया, फेल्ट मीन्स महसूस करना, ठीक है। तो उसे अध्यापक के द्वारा पनिश किया गया था, पनिशमेंट दिया गया था, और फिर उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, गलत सॉरी फील हुआ। तो देखो सब्जेक्ट दोनों का सेम, फाइनाइट वर्ब चेंज,
ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई हो रही है और टाइम इंटरवल जो है दोनों के बीच में वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है मतलब टाइम गैप ज़्यादा है, क्लियर। तो देखो ये पैसिव वॉइस में, इसलिए पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे, हैविंग के साथ बीन लगाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाई टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में बस इतना ही था, आप लोगों को अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर कोई इस टाइप के एग्जांपल्स नज़र आते हैं तो आप लोग ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है इसमें, इस वीडियो का, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा और ये है लास्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, सबसे पहले तो ये जाने पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो हमारा बन जाता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इसको रूल, इसका रूल क्या होता है, कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे मतलब कंबाइन करेंगे सेंटेंसेस को, तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं। पहला तो फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल समझो, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक स्नेक को देखा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्नेक, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और दूसरे वाले वाक्य सेंटेंस सेकंड लिखा हुआ, ये दूसरे वाले सेंटेंस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, इट किसके लिए आया है, इट आया है स्नेक के लिए, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ दूसरे वाक्य में क्या बन गया, क्या बन गया, ये स्नेक दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, क्लियर, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो सिंपली पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, अब देखो इट वॉज वाउंडेड, तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है स्ट्रक्चर, अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हमारा होता है पैसिव वॉइस। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा आ मैंने देखा एक वाउंडेड स्नेक को, कैसे स्नेक को देखा, वाउंडेड स्नेक को देखा, वाउंडेड मीन्स क्या होता है, घायल, वाउंडेड मीन्स घायल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्नेक की क्वालिटी बता रहा है वाउंडेड, स्नेक की क्वालिटी कौन बता रहा है, वाउंडेड, शेर कैसा, स्नेक कैसा था, घायल था, तो मतलब ये किसका काम कर रहा है, क्वालिटी, जो नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की विशेषता बताए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, बोलो बोलो जल्दी से, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है दिस इज अ रोज इट इज फेडेड, दिस इज अ रोज इट इज फेडेड। तो देखिए इसका आंसर आप लोग अपने आप करेंगे घर पे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को अपने आप लिखना है आंसर इसका। दिस इज़ अ रोज़ इट इज़ फेडेड, फेडेड मैंने मुरझाया हुआ, यह एक रोज़ है और कैसा है, फेडेड है, फेडेड मैंने मुरझाया हुआ, ठीक है, तो हो जाएगा ये सब। चलिए तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज का, तो आज हम लोगों ने इन दो वीडियो में कवर किया सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया जाता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंतर्गत तीन पार्टिसिपल पढ़े, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आगे वाले भाग में हम लोग अभी और पढ़ेंगे क्योंकि सेंटेंसेस काफ़ी लंबा टॉपिक है,